अब तक आपने देखा और यो भी वादा किया था अगर नचनिया आ गई तो वो खुल के नाचेंगे। मैंने बोला था कि मैं नाचूंगा और मैंने यो ना बोला था मैं किसके साथ नाचूं और जिसके साथ नाचूंगा वो है बड़ो। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को फेस पसंद है। रखा भाई रघु मैं रुबर क्या किसने किया गुंडे बकरिया बस एक बार मन्ने पता लग जाए कि वो लोग कौन थे। यो सब मन्ने पता सर ये? हमारे बकरियावाल के घर पे गुंडों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था तो मन्ने बाबूजी को बताया और वो भाग गए थे उनसे बात करने। अरे तू पावली होगी है अकेला भेज दिया उन्हें। लाखन मैं बिल्कुल ना चाहूँ कि मारी बदनसीबी का साया इस परिवार पर पड़े। मारे को अब सबके जीवन से दूर जाना पड़े। अब ठीक है पुलिस बकरियावाल के लिए रवाना हो गई है। मैंने छोरों को उन गुंडों को ढूंढने के लिए भेज दिया है। जिसने भी यह दुस्साहस किया है अब उसकी खैर नहीं है। बहुत बुरा हाल करूंगा उनका। मेरे रघु के ऊपर जो हाथ उठे हैं मुझे कसम है बजरंग बली की हाथों को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दूंगा। कमला तू यहां का ध्यान रखना। कुछ भी हो मुझे बुला लेना। देवर जी बड़ा शौक था ना तुम्हें नंबर वन बनने का। इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। थाई जी आप रो मत। जिन्होंने हमारे बापू जी का यह हाल किया ना मैं उन्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। खून के आंसू लाऊंगा खून के आंसू। अंबे भाई घनी चोट मार दी मार देवर जी ने तो। चल रहा है कोई बताएगा हमारे को? अरे ज्यादा पूछताछ ना कर तू भी फटाफट अपना सामान बांध ले। हाँ बकरियावाल जाना से के? हम बकरियावाल कैसे जा सकते हैं? अरे भाभी इतने बड़े कांड के बाद ना गुंडे वहां बैठे नहीं होंगे। इतनी बड़ी बेवकूफी ना करेंगे वो। और जहां तक हमारी बात है ना तो रघुबीर बाबूजी के साथ जो कुछ भी हुआ हमारा भी यहाँ रहना ठीक ना। आप चलो बेरा है मन्ने मारपीट हो गई उनके साथ पर हमको यहां से जान की क्या जरूरत पड़ गई। मारे को यो बता पायल थारी अकल घास सरने को तो ना चली गई। कुछ समझ ना आवे तने जो हुआ से वो हम क्या कर बिना भुला पावेंगे। इससे पहले कि हम उनका और नुकसान करें हम सबको यहां से चलना चाहिए। माँ जी मैं तो चली चलूं पर आपने लट्टू का भी ख्याल ना है। उसका स्कूल तो यही है ना वो क्या करेगा। आपने जोश में नौकरी दो ना
ना ना शुक्र है कम से कम आपने नौकरी तो ना छोड़ी। पायल थारे को जरा शर्म ना आवे हाँ मरी छोरी का घर तबाह करके तुम दोनों आराम से यहाँ रहना चाहो। माँ अरे पायल सही कह रही है जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना सही ना से। अच्छा ते इब तने भी इसकी भाषा बोलनी शुरू कर दी हाँ वकालत करनी शुरू कर दी तने इसकी। लेकिन माँ मैं मावा कुछ नहीं मने यो बताओ कि तुम दोनों मारे साथ चल रहे हो या नहीं। माँ जी आपको जो सही लगे आप करिए पर हमारी समझ में तो रघुवीर बाबूजी के साथ जो भी हुआ घना बुरा हुआ मुझे दुख है इस बात का पर यो बात भी सच है कि ऐसा कुछ हमारी वजह से ना हुआ इसीलिए हमारा यहाँ से चले जाने में किसी की भलाई ना है। पायल ठीक से तुम दोनों के जोजी में आए सुख प्रधान चल। आपको तो मैं हमेशा गलत ही लगूं मैं सबकी भलाई सोचूं तो भी मैं गलत ही हूँ। अरे शांत रह तू आपने जाना है तो जाओ आपने लोग को समझाना है मुश्किल से। अरे तू शांत रह कर थोड़ा माँ मारसी घर पे ना बैठा जा। अरे मेरे को पक्का पता है कि इसके पीछे ना प्रधान सिंह का हाथ है। शक तो मारे को भी साले उसी पे। हाँ, वो उस दिन जो अखाड़े में हारा से ना उसने उसका बदला ना चाहे कुछ भी हो मैं उस प्रधान सिंह को ना छोड़ूंगा नहीं। अरे पुलिस अपना काम करती रहेगी पर जो उसने बाबूजी पे हाथ उठाया ना उसका नतीजा उसकी मौत से पूरा होगा। मैं उस प्रधान सिंह को खत्म कर डालूंगा भाई। ठीक चल ढूंढते हैं साले को। ना भाई आपकी तबीयत ठीक ना से और वैसे भी हम दोनों में से एक का रहना बहुत जरूरी है। मैं दीपक और जितेश को ले जाता हूँ और कुछ पहलवानों को भी। ठीक से लेकिन मारी एक बात ध्यान रखना जहां भी मिले ना साले को छोड़ना मत। भाई आप चिंता ना करो मैं उस प्रधान सिंह को ना चिंता ना छोड़ उसको मैं खत्म कर दूंगा। हे भगवान यो मेरे बाबूजी के संगे हो गया। तेरी जैसी बेटी पर हर बाप को गर्व होगा। तू खरा सोना है। बाय रघुबीर सिंह अलावत आपके समक्ष ये वचन देता हूं कि कोमल बिटिया का ब्याह मारे छोरे लाखा के साथ ही होगा। अरे जानती है बेटा मैं अगर चिराग लेकर भी बाहर निकलू ना तो थारी जैसी बहू मेरे को मिल ही नहीं सकती। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि एक ना एक दिन मैं फिर से कुश्ती लड़ूंगी जब मन्ने लक्की जी की रजामंदी मिले। बाबूजी का ध्यान रखना उनके सारे दर्द आप मन्ने दे दो पर उनको कुछ मत करना। मैं भी ये सोच रही थी उनको वहां अकेले भेज के मन्ने माफ कर देना। ए भगवान ते मांगने का के फायदा बड़ो बहू इब तो जो भी करना है तो नहीं करना है चाहे जितना मुश्किल काम क्यों ना हो। भगवान तो अपने मन की बात कर रही थी कर ली मन को शांति मिले। यो मौका सही से लोहा गरम से कमला मार दिया थोड़ा। बहु सीता जी तेरी माँ इस घर तक गई तने तो घना दुख हुआ होगा। तना सही बात बताऊं तने बेरा ना है जी मेरा ब्याह हुआ था
मेरा देवर घनी इज्जत करे मेरी, और मैं भी उसकी घनी इज्जत करूं, बिल्कुल माँ जैसी समझे है मने। और जब उसने खून में लथपथ मने देखा तो मेरे तो रुकिया ना गया और मने खरी खोटी सुना दी तने। बहू तने तो घना ही बुरा लग रहा होगा, मैं तेरे ते हाथ जोड़ के माफी मांगू सू। ना ताई जी, ओके कह रहे हो आप मेरे पे चिल्लाए, वो आपका हक से गलती मेरी थी ना। चल इब तू कह रही है तो मैं मान लेती हूँ, पर अगर तने बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, बहू तेरी माँ ने जो करा बिल्कुल ठीक करा। तने तो बेरा ही है, हम तो यो चाह रहे थे कि तेरे मायके वाले मारे परिवार के साथ मिल के रहे मैं, पर मारे चाहने ना चाहने तक के हो वे दुनिया की रीति रिवाज भी हो में वे भी निभानी पड़े, के करे इब लोग तो नू भी कह में बेटी पराया धन हो वे, और ब्याह के बाद उसके मायके से कोई रिश्ता नहीं होता उसका। और यो सब बात जानने के बाद अगर तेरी माँ रोज रोज यहाँ आवे जावेगी तो लोग बाग के कहेंगे, उनका मुंह तो नहीं रोक सकते ना हम। बहू मने भी घना ही दुख है, इब क्या करूं? अब बता, इब देवर जी के साथ यो कांड ना होता तो यो बात तेरी माँ की समझ में भी ना आती, और जो बात तेरी माँ समझगी उसे भी मैं तो यो कह रही हूँ बहू, तू भी अच्छी ताई समझ। इब तू ये बता, तू के चाहे तेरी माँ यहाँ आवे जावे और उसकी रोज बेइज्जती हो, या यो चाहे कि वो अपने घर बकरिया वाल में जाके हंसी खुशी रहे। सोच ले, मने तो बस कहना तो जो कह दिया। ये मतलब से कमिश्नर साहब इस बात से कि वो गुंडे भाग गए? अरे तो बॉर्डर पार कर गए तो पकड़ लीजिए ना उन्हें, हैं? नहीं पकड़ सकते? ठीक है कमिश्नर साहब, आप एक काम कीजिए कि आप फोन रखिए, मैं सीएम साहब से बात करता हूँ, वो ही देखेंगे कि करना क्या है। क्या हुआ? मिला प्रधान सिंह? राणा भाई वो हमारे पहुंचने से पहले प्रधान सिंह वहां से भाग लिया। भाग लिया कैसे? अरे भाई चाहे वो पाताल में भी छिप जाए उसको मैं ढूंढ के रहूंगा और बाबूजी के सामने लाके उसे मारूंगा। जिन हाथों ने मैं कुश्ती करना सिखाया ना उसने उसी पे चोट लगाई। अरे कुछ भी हो जाए भाई मैं उस प्रधान सिंह को ना खत्म कर डालूंगा भाई, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख गुस्सा शांत कर, मारी एक बात ना बहुत ध्यान से सुन, ये प्रधान सिंह जो है ना ये एक सांप की तरह है जो अपने बिल में से बाहर निकल के वार करे और फिर ना जाने किस बिल में छुपके जाके बैठ जावे। इंतजार कर, बिल में से बाहर निकलने दे। कसम खा के कहते हैं कि उसकी मुंडी कुचल के बाबूजी के चरणों में ले जाके पटक देंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा शांत है क्योंकि क्या है ना अभी बाबूजी की तबीयत खराब से और बाबूजी को इस वक्त सबसे ज्यादा हारी जरूरत से, तो बाबूजी के लिए भी गुस्सा थूक दे। पर मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। दिन बिकी से अजीब होते है, पता नहीं कब सब कुछ बदल जाता है। लक्की जी भी इतने चिंतित हो गए, यो सब मेरी गलती से, अगर मैंने बाबूजी को कुछ कहा ही नहीं होता तो यो सब ना होता। लक्की जी आप बैठे, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। हमारे बकरियावाल के घर पे गुंडों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था तो मन ने बाबूजी को बताया और वो भाग गए थे उनसे बात करने। सच
उसमें मरने सबसे अच्छी चीज यही लगी और मैं इसे अपनी बेटी के लिए ले आया। जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो मैं थारा ब्याह बड़ी धूमधाम से करूंगा। और एक गोले में जो छोरा दिख रहा है ना, ऐसे ही टिप टॉप छोरे से ब्याह होगा तेरा। और ये लट्टू को कहाँ भेज रही? लट्टू को कहीं ना भेज रही, ये तो हमारा शांति दूत है। शांति का संदेश लेके जा रहा है ना। शांति का संदेश? अरे घुमा फिरा के बात मत कर, सीधा सीधा बता क्या बात है। छोड़ो आप ना समझोगे। बापू मैं बुआ के घर जा रहा हूँ। अरे थारे में कोई शर्म या बाकी है कि ना, जो घर में इतना बड़ा कांड हो गया और तू ये सब करे। पहली बात तो बच्चों के सामने मारे से ऐसी बात ना कर। अंग्रेजी में गाना भी सुनाएगा ना बुआ को? हाँ। ये होशियारी के पार्ट ना मारे को ना समझाओ। बेवकूफी करे आपकी बहन और भुगते हम। आज लट्टू को प्यार से भेजा है कार्ड के साथ, तो उसको जन्मदिन की मुबारकबाद देने। ऐसे दोनों परिवारों के बीच में खटास हटेगी, मिठास बढ़ेगी। क्यों ना दिखता आपको? हमारी गलती दिखती है हमेशा। गलत कह रही हूँ क्या? पता नहीं कौन सा खिचड़ी पका रही थे तू। एक न एक दिन जरूर मरवावेगी। अच्छा इसी बात है तो आज ना बिना डब्बे के ऑफिस चले जाओ। भूख लगेगी ना तब पता चलेगा खिचड़ी पकाने में ना कितने पापड़ बेलने पड़ते। बैठने की भी फुर्सत नहीं होती, इतनी थक गई मैं तो काम कर कर। अरे भाभी ये बात बताओ, मालती का फोन नहीं लग रहा। आपको कोई फोन आया था? कब आ रही है लौट के? हाँ वो फोन आया था मालती का देवर जी, और वो यूं कह रही थी दो चार दिन और टिकूंगी, पर यो जो भी कल हुआ मेरी तो हिम्मत ना हो रही उसने बताने की। दिल भी तो कमजोर से घनी जल्दी घबरा जाए। सही कह रही हो। चलो कोई बात नहीं, दो तीन दिन बाद लौटेगी, तब तक मैं पूरी तरह ठीक भी हो जाऊंगा। क्यों भाभी? हम देवर जी यो बात ठीक से। अरे बहू ए नाश्ता क्या अगले साल लगावेगी? नाश्ता जी लग गया, आइए अब। चल छोरे नाश्ता कर लो। देवर जी तुम तो यहीं बैठे रहो आराम से, और यहीं नाश्ता कर लिया। बहू देवर जी ने नाश्ता दे दे। बाबूजी बाप की तबीयत की सी है, दर्द ज्यादा तो ना से ना? अब ठीक से बेटा ठीक से। बाबूजी चाय। चलो बाबूजी आप आराम से बैठे।